गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.3 का कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आपसे अच्छा किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, कॉमर्स स्टूडेंट को, क्योंकि है ही टॉपिक ऐसा डेप्रिसिएशन, जो आप सबने क्लास 11th में ही बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बहुत छोटे से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलरेडी आता है, बस मुझे उसे थोड़ी सी बात बतानी है और सारे सवाल बड़े आराम से होंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऐसा डेप्रिसिएशन, सर क्या बात कर रहे हो सर, यही बात तो सर हमें अच्छे से पता है। डेप्रिसिएशन डिफाइन रिडक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो आप क्या बोलते हो, वैल्यू क्या हो रही, डेप्रिशिएट हो रही, सच एज बिल्डिंग। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन क्या था, रिडक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, किसी भी एसेट्स में के ओरिजिनल कॉस्ट में जब कोई वैल्यू कम हो जाती है तो आप क्या बोलते हो, आप लोग वो डेप्रिशिएट हो रही, सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेयर एंड टीयर। जैसे मान लो सर आप फोन लेते हो, फोन पे 1 साल बाद ही आप बोलते हो सर इसकी वैल्यू ना 10,000 का फोन लिया था, अब 8,000 मिलेगा, 8,000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 5,000 मिलेगा। तो 5,000 क्या बोल रहे हैं वो, सर इस वैल्यू को आपने जो यूज किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, तो 5 साल क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया। ओरिजिनल कॉस्ट इज द टोटल प्राइस एट विच द एसेट्स वाज परचेज, जब आप खरीदते हो तो उस कॉस्ट को क्या बोलते हो, ओरिजिनल कॉस्ट। द टाइम पीरियड इन विच एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनल एंड फिट फॉर पर्पस इज कॉल्ड यूजफुल है। अगर सर किसी भी एसेट्स का एक फंक्शनल पीरियड होगा ना, तब तक चलेगा वो, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, यूजफुल लाइफ। जनरली मेजर किसमें होता है, साल में होता है। वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। सर जो यूजफुल लाइफ थी खत्म हो रही, अब उसके बाद भी कुछ वैल्यू उसकी बच रही है, तो उस जो बच रही होती है वैल्यू से क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू या फिर सेल्वेज वैल्यू या फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू। जैसे मान लो फोन, आपने फोन लिया आईफोन, आपने उसे 5 साल चलाया, 5 साल बाद आप बोलते यार ये ना फिर भी 5,000 में बिक जाएगा, तो 5,000 क्या वैल्यू है वो, इस सारी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग गई सर, तो जितने पे आपने खरीदा था तो 5,000 रुपये में बिक रही है, मतलब वो स्क्रैप वैल्यू है। बुक वैल्यू क्या होती है सर, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एट अ गिवन डेट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसे बुक वैल्यू वो होती है कि मान लो किसी डेट पे आप बोलो सर मुझे बुक वैल्यू बताओ इस फोन का, तो जब आपने खरीदा था और जब भी आपको बुक वैल्यू चाहिए तो वहां से लेकर वहां का डेप्रिसिएशन आपने लगाया। जैसे मान लो आपने 1 अप्रैल 2010 को फोन खरीदा 10,000, और अब आप पूछो 31 मार्च 2014 में वैल्यू, बुक वैल्यू बताओ, तो ये जो 4 साल का डेप्रिसिएशन आप लगाओ इस पे, मान लो 6,000 आपने लगाया, तो ये 4,000 जो बचा वैल्यू एट द एंड ऑफ 2014, ये क्या बचा मेरे पास, बुक वैल्यू, क्योंकि इस पे और डेप्रिसिएशन लगना है, इसीलिए हर साल जो वैल्यू डेप्रिसिएशन लगने वाला आती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक जी, कैसे आता है, ओरिजिनल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप हटा दो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस 4 मेथड होते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। 4 मेथड होते हैं सर हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने, आपको बहुत अच्छे से आता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पहला मेथड है, सिर्फ फर्स्ट मेथड है, बाकी सर नहीं है सिलेबस में। लीनियर मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल जी, ठीक है जी। अपर आपसे पूछ सकता है MCQ में कौन कौन सा मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, तो चारों नाम आपको पता होना चाहिए, लीनियर, रिटर्न डन वैल्यू, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आगे बढ़ते हैं सर, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मेथड, सर पता है आपको, लीनियर और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली ओवर ईच पीरियड। सर डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड से आप लोग आते हो तो उसमें जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आती है वो हर साल यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती, हर साल वही डेप्रिसिएशन लगेगा अंटिल इट रीच टू इट्स स्क्रैप और सेल्वेज वैल्यू, जब तक उसके स्क्रैप वैल्यू पे ना पहुंच जाए। तो फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटेड एनुअल डेप्रिसिएशन बाय लीनियर मेथड इज गिवन बिलो। क्या होता है सर डेप्रिसिएशन फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। बाकी बातें आपको बताया ना, एक मिसिंग फिगर होगा निकालना होगा, बस यही सब कॉन्सेप्ट था सर। 5 क्वेश्चन है छोटे छोटे से,
फटाफट करते हैं सर, पॉज करते उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मशीन कॉस्टिंग 30,000, यूजफुल लाइफ 13, स्क्रैप वैल्यू 4, एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है सर। तो सर एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ, तो 26,000 अपॉन में 13, दैट इज 2,000। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे बढ़ रहे हैं, फटाफट पॉज करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, एन एसेट्स ऑफ लाइफ विच इज एस्टिमेटेड टू 8 ईयर कॉस्टिंग 80,000, एनुअल डेप्रिसिएशन दे दिया, स्क्रैप वैल्यू पूछा हुआ है सर। बस वही है, एक बैलेंसिंग फिगर है, निकाल दो सर, फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। डेप्रिसिएशन दे दिया उसने 9,000, कॉस्ट क्या दिया हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट 80,000, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ, भावे बताना है, यूजफुल लाइफ 8 साल, तो 72,000 इक्वल टू 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000 माइनस 72,000, दैट इज 8,000। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू 8,000 आ गया सर मेरे पास, पॉज करिए, उतारिए, अगले पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 9 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू 270, एनुअल डेप्रिसिएशन 70,000, यूजफुल लाइफ, अरे सर लो सर, डेप्रिसिएशन 70,000 दे दिया, ओरिजिनल कॉस्ट 9 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, नहीं पता सर, कोई बात नहीं, तो सर एन कितना आ जाएगा मेरे पास, 630 अपॉन में 70,000, 3030007 9, तो एन के वैल्यू कितने आ जाएगा सर, 9 ईयर। ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं सर। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन सवाल का, बहुत जल्दी एक्सरसाइज ओवर होने वाली है सर। स्क्रैप वैल्यू दे दी 22,500 आफ्टर 15 ईयर ऑफ इट्स परचेज, डेप्रिसिएशन दे दिया, ओरिजिनल कॉस्ट बताना है इस बार, तो सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, डेप्रिसिएशन कितना दे दिया 85,000, ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता नहीं है, स्क्रैप वैल्यू कितनी दी गई है 22,500 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर 15 दे दिया सर, 8,500 इंटू में 15 इज इक्वल टू सी माइनस 22,500, सी कितना जाएगा सर, 8,500 इंटू में 15 प्लस 22,500, एक लाख 27,500 प्लस 22,500 सी आ जाएगा मेरे पास 150, कॉस्ट कितना जाएगी 1,50,000। तो ये था सर हमारा छोटा सा टॉपिक, और इसी के साथ ये चैप्टर ही पूरा ओवर होता है, बहुत सिंपल सा चैप्टर था हमारा, बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, रिविजन करते रहना, डाउट्स पूछते रहना ग्रुप में, ठीक है जी, कहीं भी डाउट हो तो पूछते रहना सर, नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, ठीक है जी, तो अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।